वांटेड के सीक्वल को हॉलीवुड एक्शन मूवीज के स्तर पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है? इस सीक्वल को 400 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? साल 2018 के पहले 6 महीने किन 3 रियल लाइफ जोड़ों के नाम रहा? 2020 बॉलीवुड के सबसे बड़ा साल के रूप में क्यों देखा जा रहा है? सलमान खान किन अपनी 5 फिल्मों के सीक्वल में काम नहीं करेंगे? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ काम करने की चाहत लगभग हर एक बॉलीवुड डायरेक्टर अपने सीने में पाले बैठा है, खास करके वो डायरेक्टर्स जो सलमान खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। इन डायरेक्टर्स का मानना है कि अगर उन्हें एक बार फिर से सलमान खान का साथ मिल जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर दोबारा इतिहास रच सकते हैं। हालांकि सलमान खान ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो नई कहानियों पर यकीन करते हैं और बदलते सिनेमा के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर आप भी सलमान भाई के इस डायलॉग के कायल हैं तो आपको वांटेड भी याद होगी। फिल्म में भाई का जलवा बेमिसाल था। इस फिल्म का सीक्वल प्लान किया गया तो एक बार फिर सलमान के फैंस एक्साइटेड हो गए। फिल्म निर्माता बोनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान खान का इंतजार ना करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हैं और ये भी कहा गया है कि सलमान बोनी को जानबूझकर इंतजार करा रहे हैं। इसकी वजह बोनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जग जाहिर है। पिछले दिनों फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें वांटेड 2 का नाम नहीं लिया। संभवतः यही कारण है कि बोनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और कुछ दिनों से टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। वांटेड एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बोनी ने निर्देशक प्रभुदेवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर से बोनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बोनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 2 के बाद टाइगर की इमेज को भुनाना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड में आते हैं तो इससे फिल्म को फायदा होगा। बोनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ कर दी थी। बोनी फिल्म की बागडोर पहले ही प्रभु देवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उबारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने अभी तक हाँ नहीं की है और उधर प्रभु देवा भी इन दिनों सलमान खान की दबंग 3 की प्री प्रोडक्शन में व्यस्त है। इस सीक्वल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसे सलमान खान को लेकर खबरें तो आती रहती थी, लेकिन बाद में जॉन इब्राहिम, टाइगर श्रॉफ के बाद हमारे सिंघम का नाम भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया है। हालांकि अजय देवगन अभी तानाजी फिल्म में व्यस्त हैं, क्योंकि तानाजी बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल अजय देवगन ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मीडिया खबरों पर विश्वास किया जाए तो अभी तक अजय देवगन ही फाइनल हैं, क्योंकि वांटेड के सीक्वल को इंटरनेशनल एक्शन फिल्म की तरह बनाने की योजना की जा रही है। इसलिए अजय देवगन से बढ़िया एक्शन सुपरस्टार कोई और नहीं हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि सलमान खान के इस सफर के बीच कई बार उनकी हिट फिल्मों के सीक्वल्स की खबरें आती रहती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये खबरें निराधार होती हैं। सलमान खान दबंग 3 के अलावा अपनी किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको भाईजान की ऐसी 5 फिल्मों की लिस्ट दिखाएंगे जिनके सीक्वल की खबरें लगातार आती रहती हैं। बॉलीवुड कलाकार और डायरेक्टर सतीश कौशिक ने साल 2003 में सलमान खान के साथ तेरे नाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। इस फिल्म में सलमान खान के करियर को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। जब ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी थी तब हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था,
राधे भैया। तेरे नाम की रिलीज के बाद से ही दर्शक इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बता दे भाईजान तेरे नाम 2 में काम करने के मूड में नहीं है। हाल के सालों में रिलीज हुई सलमान खान की सुल्तान बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इसे डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बनाया था। जैसे ये फिल्म सिनेमा घरों में हिट हुई, हर कोई इसके सीक्वल के बारे में बात करने लगा। हालांकि सुल्तान के निर्माता इसका सीक्वल बनाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान में दर्शकों को सलमान खान का सीधा साधा अंदाज काफी पसंद आया था। दर्शकों ने डायरेक्टर कबीर खान से बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनाने की गुजारिश कई बार की है, लेकिन वो इसे बनाने की नहीं सोच रहे हैं। करीना कपूर खान और सलमान खान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर जब जब आती है तब तब धमाल मचाती है। बॉडीगार्ड के साथ भी ये सिलसिला जारी रहा था। दर्शकों को बॉडीगार्ड खूब पसंद आई थी, जिसके बाद इसके सीक्वल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। हालांकि बॉडीगार्ड 2 अभी नहीं बन रही है। सलमान खान की फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर रही थी, तब प्रभु देवा ने भाईजान के साथ वांटेड फिल्म बनाई थी। ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होते ही हिट साबित हुई और इसके सीक्वल के कयास लगाए जाने लगे। हम आपको बता दें कि भाईजान वांटेड 2 कभी भी नहीं करने वाले हैं। फिल्म रेस 3 को प्रमोट करते वक्त उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था। साल 2018 के पहले 6 महीने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। इन 6 महीनों में बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इन फिल्मों को न केवल दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार दिया है, बल्कि इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई की है। इस साल की बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे इंडस्ट्री के फिल्मकारों को ये शक्ति मिली है कि वो बिग बजट फिल्मों पर दांव खेल सकते हैं। बीते कुछ महीनों में हमने ये देखा भी है कि इंडस्ट्री ने कई सारी बिग बजट फिल्मों का ऐलान किया है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बॉलीवुड के द्वारा साल 2020 में रिलीज की जाने वाली उन 5 फिल्मों की लिस्ट दिखाएंगे जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की छड़ी लगाकर रख देंगी। पहली है इंसा अल्लाह, ईद 2020। साल 2020 की पहली बड़ी फिल्म सलमान खान और संजय लीला भंसाली की इंसा अल्लाह होने वाली है। दोनों लगभग 11 साल के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाने जा रहे हैं। सलमान संजय ने खामोशी, संवरिया और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म इंसा अल्लाह के बारे में वैसे तो ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि भंसाली की तरफ से एक और पीरियड ड्रामा हो सकती है। दूसरी है शमशेरा, 31 जुलाई 2020। हाल ही में यशराज बैनर ने अपनी बिग बजट पीरियड ड्रामा शमशेरा की रिलीज डेट का ऐलान किया है। इस फिल्म में संजय दत्त और रणबीर कपूर पहली बार हाथ मिलाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शमशेरा की कहानी 18वीं सदी की होगी, जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। रणबीर कपूर इसमें एक डाकू का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म में आदित्य चोपड़ा की पसंदीदा हीरोइन वाणी कपूर रणबीर कपूर के अपोजिट दिखाई देंगी। तीसरी फिल्म है रणभूमि, दिवाली 2020। कुछ महीनों पहले ही करण जौहर ने वरुण धवन की इस फिल्म का ऐलान किया है। डायरेक्टर शशांक खेतान के द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म में वरुण धवन एक योद्धा का किरदार निभाते दिखेंगे। ये वरुण धवन के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है। रणभूमि के लिए किसी हीरोइन का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें आलिया भट्ट एक बार फिर से वरुण के साथ दिखाई दे सकती है। चौथी है रैम्बो, अक्टूबर 2020। टाइगर श्रॉफ की रैम्बो को लेकर बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि ये बंद होने की कगार पर है। हालांकि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने मीडिया इंटरेक्शन में ये साफ किया है कि ये फिल्म बंद नहीं हुई है, बल्कि कुछ समय के लिए टली है। टाइगर श्रॉफ और सिद्धार्थ आनंद रैम्बो को साल 2019 के मध्य में शुरू करेंगे और साल 2020 में रिलीज करेंगे। पांचवें नंबर पर है क्रिस 4, क्रिसमस 2020। साल 2020 की शुरुआत भाईजान अपनी फिल्म के साथ करेंगे, लेकिन इसका अंत ऋतिक रोशन करेंगे। राकेश रोशन ने इसी साल ऋतिक के जन्मदिन पर इस बात का ऐलान किया था कि वो क्रिस 4 को साल 2020 के क्रिसमस पर रिलीज करेंगे। राकेश रोशन ने मीडिया को ये भी बताया था कि प्रियंका चोपड़ा भी क्रिस 4 का हिस्सा होंगी।
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने साल 2018 के पहले 6 महीने का सफर पूरा कर लिया है। साल के फर्स्ट हाफ में जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनकी कमाई को देखकर ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में चल रही है। जहां बीते साल बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूल चढ़ती नजर आई थी, वहीं इस साल हर बड़ी फिल्म ने अच्छे आंकड़े दर्ज कराए हैं। ये बॉलीवुड के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि 2018 के बचे हुए 6 महीने भी इंडस्ट्री के लिए अच्छे जाएंगे। अगर साल 2018 के पहले 6 महीने में रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट देखें, तो एक बहुत ही गजब बात पता चलती है। इन 6 महीनों में 90 के दशक के किसी बड़े कलाकार की फिल्म ने चौंकाने वाली कमाई नहीं की है। इसके उलट नई जनरेशन के कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। इन नए कलाकारों में से भी 3 रियल लाइफ जोड़ियां लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छाई रही हैं। आज हम आपको इन्हीं 3 जोड़ियों की फिल्मों और उनके द्वारा की गई कमाई के बारे में बताएंगे। पहली जोड़ी है रणबीर और आलिया की, संजू और राजीव। कमाई 325 करोड़ 98 लाख रुपए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों बॉलीवुड की नई जनरेशन के सबसे बेहतरीन कलाकार हैं। इन्होंने अपनी अदाकारी से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया है। साल 2018 में ये दोनों एक साथ नहीं आए, लेकिन इन दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई है। जहां आर्या की राजी ने सिनेमाघरों में 123 करोड़ 47 लाख रुपए का कारोबार किया था, वहीं रणबीर कपूर की संजू मात्र 7 दिनों में 202 करोड़ 51 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी थी। दूसरी जोड़ी है रणबीर और दीपिका की, फिल्म पद्मावत। कमाई 302 करोड़ 15 लाख रुपए। पद्मावत साल 2018 की सबसे विवादित और सबसे सफल फिल्म रही। इस साल आई किसी भी फिल्म की रिलीज पर इतना विवाद नहीं हुआ। इस फिल्म में जहां रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था, वहीं दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती का किरदार निभाया था। इन दोनों ही कलाकारों को फिल्म के लिए काफी सराहना मिली थी। रणबीर और दीपिका के साथ साथ इसमें शाहिद कपूर भी थे, जिन्होंने राजा रतन सिंह का किरदार निभाया था। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 302 करोड़ 15 लाख रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की थी। और तीसरी जोड़ी है टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की, फिल्म बागी 2। कमाई 164 करोड़ 38 लाख रुपए। साल 2018 की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई कलाकार है तो वो टाइगर श्रॉफ है। उनकी बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का तहलका मचाया था, उससे साफ हो गया है कि बॉलीवुड को एक नया मास स्टार मिल गया है। फिल्म बागी 2 में दिशा पटानी की अदाकारी को भी सराहा गया था। दोनों कलाकार काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बागी 2 के लिए पहली बार हाथ मिलाया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वांटेड के सीक्वल में किस हीरो को होना चाहिए, सलमान खान, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ। अगर ये फिल्म बनती है तो बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है।